बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स को कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए देश के 12वें संस्थान के रूप में चुना गया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल के ईजाद किए गए कोरोना वैक्सीन का पटना एम्स में 7 जुलाई से इंसान पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। यह ट्रायल 3 फेज में किया जाएगा। एम्स के अधीक्षक सीएम सिंह ने बताया कि पहले फेज में सेफ्टी के साथ कम लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद दूसरे और तीसरे स्तर का ट्रायल एम्स के डॉक्टरों और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की देखरेख में किया जाएगा। सीएम सिंह ने कहा कि 7 जुलाई से उन वॉलंटियर्स पर ट्रायल शुरू किया जाएगा जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर की सभी प्रकार की जाँच की जाएगी और जो लोग फिट होंगे उनको वैक्सीन दिया जाएगा। एम्स के अधीक्षक ने बताया कि फिर वैक्सीन के रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा। पटना एम्स के अधीक्षक सीएम सिंह ने कहा कि बिहार में 74.09% रिकवरी रेट है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में कोरोना के 11,500 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 88 लोगों की बिहार में मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,880 है जबकि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 74.09% है। सीएम सिंह ने कहा कि राज्य में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है। 3 मई के बाद बिहार पहुंचे ज्यादातर प्रवासी व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आने वाले प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। भारत आपकी आवाज़ हमारी ताकत। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।